गाइज बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है कि लेयर कट हम घर में बैठ करके काट सकते हैं, तो हमने सोचा कि चलो मैं क्यों बाकी रहूँ, चलो मैं भी ट्राई करके देख ही लेती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमने बाल को धो लिया था और मैंने इसे सुखा भी लिया है, थोड़ा थोड़ा गीला है, और इसको सारे जो उलझे हुए बाल हैं उनको सीधा कर लेंगे। और कुछ इस तरह से हम पहले इनको झाड़े। और हाँ, पहले बता दूँ गाइज, मैं हेयर कट के नाम पर मुझे एच भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी मेरे वीडियो को देख करके और कर रही हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है जो कि अभी हो चुका है। पहले मैंने काटा, उसके बाद ये कैची को सीधा करके मैंने उनमें कट लगाया। और आप भी देख सकते बाल का कुछ हालत ऐसे है। अब ये मेरा फर्स्ट स्टेप पूरा हो चुका, अब मैं दूसरी बार करूँगी। फिर उसी तरह अच्छे से कंघी कर लिया मैंने। अब ये देखिए, ये बाल को मेरे कान से जो पीछे हैं, कान के पीछे के बाल जो हैं, इस तरह से मैंने पकड़ा, फिर इसको सीधा किया और फिर से वैसा ही करेंगे जैसा मैंने पहले काटा था। और फिर से मैंने पोनीटेल कर लिया। उसके बाद ये सेकेंड स्टेप है, सेकेंड बार मैंने काटा। अब देखते हैं ये लेयर कट होता है या फिर कुछ और हो जाता है। और हाँ गाई, जिगरा चाहिए अपना बाल ख़राब करने का, जो कि मेरे पास है। और ये सेकेंड स्टेप हो चुका है, ये रहा मेरा थर्ड स्टेप। अब जो बाल है कान के ऊपर से निकालना है। सेकेंड में हमने निकाला था कान के पीछे से, और ये थर्ड स्टेप है, थर्ड में हम कान के बाहर से बाल निकाले। तो ये जैसे कि देख पा रहे हैं कुछ इस तरह है। इसके बाद हम फिर से सेम उसी तरह कट किए बाल को, और फिर से कैची को खड़े करके थोड़ा कट कर लेंगे ताकि अच्छे से हो जाए। और अब देखने के लिए मिलेगा आप सभी को मेरा फाइनल लुक कि कैसा है। उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करें। और देखिए, फाइनल लुक मेरा ये है, बाल कटने के बाद कुछ ऐसा हुआ, देख सकते हैं आप लोग। कमेंट करके बताना कि कुछ थोड़ा भी अच्छा कटा या नहीं। मुझे भी तो थोड़ा बहुत ठीक ही लगा, यानी कि खराब नहीं हुआ बाल ना। कैसा लगा तो आप लोग कमेंट में बताना कि कैसा कटा।